तो यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम दे रखी है, Z1, Z2, Z3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो अपन को इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 की वैल्यू क्या होगी वो बतानी है। सो यहाँ पर स्टार्ट करता है। सो सबसे पहले यहाँ पर बिना आयोटा वाली टर्म देखता है कौन कौन सी है, Z3 माइनस Z2 माइनस ऑफ 2Z प्लस 2, एंड जो आयोटा के साथ है उनको एक बार ले लेता है। सो एक है यहाँ पर अपने पास 3 आयोटा Z एंड यहाँ पर 1 माइनस Z, इस टाइप का कुछ हो जाएगा अपने पास। तो 3 आयोटा Z 1 माइनस Z, सो इस तरह का अपने पास कुछ हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या करता है कि इसके फैक्टराइजेशन करता है। सो अपन को पता है इसको किस तरीके से फैक्टराइजेशन कर सकता है, ये हो जाएगा Z-1 एंड Z2-2 अगर तुम करोगे तो। बेसिकली Z इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा था, और फिर सेकंड फैक्टर तो तुम देख ही सकते हो, एंड यहाँ पे +3 iota Z 1 माइनस Z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो Z-1 है वो तो मैंने कॉमन ले लिया, और मेरे पास क्या बचेगा Z2-2 एंड -3 iota Z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके फर्दर अपन फैक्टर कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर तुम फैक्टर करोगे तो इस टाइप का आएगा Z-2 iota एंड Z-iota इज इक्वल टू 0। तो जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो आयोटा इसको सेटिस्फाई करेगा, जैसे iota² -2 -3 iota² सो बेसिकली -1 -2 एंड ये +3, सो बेसिकली 0 सेटिस्फाई कर रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली तुम इसके रूट निकाल सकते हो। अब यहाँ से ये 1 एंड 2 आयोटा एंड आयोटा आ जाएंगे, और सबके इमेजिनरी पार्ट का सम करना है तो बेसिकली 3 आ जाएगा अपना आंसर। यहाँ से 2 आएगा एंड यहाँ से 1, सो सम करेंगे तो 3 अपना आंसर आ जाएगा। सो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है।